हेलो बेबी, पापा शादी के लिए मान गए। इतनी आसानी से कैसे मान गए? बेबी वो पापा ने मुझसे पूछा लड़का क्या कर रहा है, मैंने बोला पेट में लात मार रहा है। माचिस की क्या जरूरत है डार्लिंग, सालों को तरक्की से जलाएंगे। इंस्टाग्राम पर एक लड़के ने लड़की बनके मुझसे रिचार्ज करवा लिया। भाई प्लीज वापिस कर दे, सब्जी के पैसे थे। अजी सुनती हो, आज घर की सफाई कर ले। हाँ हाँ, घर की सारी बेकार चीजें बाहर निकाल दो। पगली, फिर तू कह रहेगी। मेरी सेटिंग मुझसे बोली, मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने भी कह दिया मुड़ साथ, किराया एडवांस लूंगा। वाओ नाइस वॉच, कौन सी कंपनी की है? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कौन सी कंपनी की वॉच है? गवार साली। कंपनी का नाम भी नहीं बताओ। अरे ताजमहल तो हम भी बनवा दे हमारी जान के लिए, पर बनवाए कहाँ से, हम खुद रोड पे सोवे। चल रहे चल, कोई और के घर में आके मारे घोर को निकल। सुनो जी, आपको पता है मेरी बहन बहुत सुंदर है, बहुत मस्त लगती है। यार मैं तेरे बाप से एक दिन मिलूंगा जरूर। क्यों? उनसे पूछूंगा कि जब घर में रसगुल्ला रख रखा था तो ये दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया मेरे को। एक्सक्यूज मी, मुझे अपना नंबर दो ना। गूंगी हो? कोई बात नहीं, फोन पे ही कर लेना। दोस्तों आज मैं आपके बीच एक बहुत ही प्यारी सिंगर पेश कर रहा हूँ। कौन सा गाना गाएंगी? लग जा गले। वो सब बाद में, गाना कौन सा? कमीनी, ये गाना ही है। मेरी बात तो... मम्मा यार, मेरे को मेरी बोतल नहीं मिल रही यार। वही पड़ी है टेबल पे। टेबल पे होगी, टेबल पे तो कुछ भी नहीं है, खाली है टेबल। अगर मैंने आके ढूंढ दी तो? ये क्या पड़ी है? कहाँ पे है? अरे आंखें खोल के देख, ये यहाँ पे कैसे आ गई? एक्सक्यूज मी, मुझे आपका नंबर मिल सकता है? सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। शूज अच्छे लग रहे हैं आपके। उतारू क्या? इसे तो कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे।哎呦我的妈，你别笑。हम लड़कियों को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए होता है जो हमारे पापा की तरह हमारी केयर करे, हमें हस्बैंड की तरह प्यार करे और हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह लड़ाई करे। और तुम लड़कों को कैसी लड़कियाँ चाहिए होती है? वो लड़की है यही काफी है। भाई ट्रेंड मस्त है यार ये। जाने मेरी जाने मन, मेरी जाने मन बचपन का। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार भूल नहीं जाना है। जाने मन बचपन का प्यार, जाने मेरी जा। आयोडीमा। दिख नहीं रहा देखो क्या खा रहा हूँ। पांक शेयर करें? ना सॉरी। कोई नहीं बेटा, मेरी भी फ्रिज में ही पड़ी है। बेटा जी ये तुम्हारी है। कुत्ता है तू कुत्ता। मेरे मरने के बाद ऐ दोस्त तू आंसू मत बहाना, मेरे मरने के बाद ऐ दोस्त तू आंसू मत बहाना, अगर मेरी याद आए तो सीधा ऊपर चले आना। परियों के साथ सेटिंग करेंगे भाई साहब, ऐसे बात तो सही है गलत तो होती है। असली मजे तो पतले लोगों के हैं, एक तो ठूस ठूस के खाते हैं,
ऊपर से मोटे भी नहीं होते। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। जब स्कूल में सारे बच्चे आगे के बेंच पे बैठकर पढ़ाई करते थे तो मैं अकेला लास्ट बेंच पर बैठकर बस यही सोचता था कि अगर स्कूल में गुंडे आ गए तो मैं लड़कियों को बचाऊंगा कैसे। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी।